आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल, मैं हूं आपके साथ महक। बात करते हैं मध्य प्रदेश की मौसम की। तो एमपी तप रहा है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन गर्मी से राहत नहीं है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इसके साथ ही प्रदेश के 5 जिलों में सोमवार को लू की स्थिति भी रही है। रतलाम में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक ने सोमवार को कहा कि बाड़मेर और बीकानेर के बाद भारत में रतलाम में सबसे अधिक तापमान रहा और बाड़मेर और बीकानेर में 46.3 और 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं राजधानी भोपाल में भी पहली बार मई में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 4 दिनों तक और लू चल सकती है और रतलाम, राजगढ़, गुना, खरगोन और खंडवा में लू की स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों भोपाल में 42.9, इंदौर में 42.8, जबलपुर में 42 और ग्वालियर में 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं रतलाम के बाद खरगोन में सबसे अधिक तापमान रहा है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक सुरेंद्र नायक का कहना है कि चक्रवात आसानी के 10 मई के बाद उत्तर पूर्वोत्तर की ओर मुड़ने और आगे बढ़ने की बहुत संभावना है। वहीं ओडिशा तट से दूर उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर जाने और बांग्लादेश तट पर टकराने की संभावना है। उनका कहना है कि रास्ता पश्चिमी बंगाल तट के समानांतर है और इसका पश्चिम बंगाल तट को अधिक सीधे प्रभावित करने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के गंभीर रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है। इसके प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश में गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। वहीं मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि दक्षिण सागर में बने चक्रवात के तट के करीब आने और 11 मई को पश्चिमी विक्षोभ के हिमालय सीमा में पहुंचने के बाद तापमान में वृद्धि थम जाएगी और उसके स्थिर होने से भले ही तापमान ज्यादा बढ़ेगा लेकिन गर्मी बनी रहेगी। तो ये था आपका अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।